नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। स्वतंत्रता दिवस पर पेंशनरों कर्मियों के लिए सीएम की घोषणा, एरियर मिलेगा देनदारियों होंगी चुकता। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह देहरा में सहित भुवनेश्वर डोगरा मैदान में आयोजित किया गया। जिला कांगड़ा के देहरा में सहित भुवनेश्वर डोगरा मैदान में पहली बार राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। वहीं बता दें कि परेड में राज्य पुलिस, जिला पुलिस, आईआरबी सको, आईआरबी पंडो, उत्तराखंड आईआरबी सशस्त्र बल, ट्रैफिक पुलिस से एसएसबी सपड़ी, गृहरक्षा के एनसीसी और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की टुकड़ियां शामिल हुई है। वह परेड का नेतृत्व परीक्षाधीन आईपीएस कमांडर सचिन हिरेमठ ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने देहरा में राज्य विद्युत बोर्ड का अधीक्षण अभियंता कार्यालय, जल शक्ति विभाग का अधीक्षण अभियंता कार्यालय और खंड चिकित्सा कार्यालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम के तहत पौंग बांध विस्थापितों के स्वामित्व के दावों का समाधान करने की भी घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने 10 ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाट तक की क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करके उन्हें हरित पंचायत में परिवर्तित करने की भी घोषणा की है। हिमाचल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की तैयारी, वित्त विभाग को भेजा पत्र। हिमाचल प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। बता दें कि 58 से 60 वर्ष सेवानिवृत्ति आयु करने के लिए कार्मिक विभाग ने वित्त विभाग को पत्र भेजा है। वह विभिन्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठनों की मांग पर सरकार ने इस बाबत विचार शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मई 2024 को इस संदर्भ में आए आदेशों पर भी सरकार ने अमल करना शुरू कर दिया है। बता दें कि राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने से पहले कार्मिक विभाग ने वित्त विभाग से मामले को लेकर पूरी जानकारी मांगी है। वह वित्त विभाग की मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट की मंजूरी के लिए फाइल भेजी जाएगी। वह विभिन्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बीते लंबे समय से सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वह कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ भेदभाव हो रहा है। वह जो कर्मचारी 10 मई 2001 के बाद सरकारी सेवाओं में लगे हैं उन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त नहीं किया जा रहा, जबकि मई 2001 से पहले नियुक्त कर्मी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैनेजमेंट कोटे की 400 सीटों का आवंटन इस बार हिमाचल विश्वविद्यालय ही करेगा। जी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय संबंध 51 निजी बीएड कॉलेजों के लिए मैनेजमेंट कोटे की सीटों का आवंटन एचपीयू बीएड काउंसलिंग एंड प्रवेश कमेटी ही करेगी। वहीं कोटे की सीटों की फीस लेने में भी निजी संस्थान किसी तरह की मनमानी नहीं कर पाएंगे। वे प्रबंधन कोटे की सीटों की फीस आम छात्रों के बराबर ही रहेगी। बता दें कि एचपीयू के तहत 2 सरकारी और 51 निजी बीएड संस्थान हैं। वह इनमें 57 से 50 सीटों हैं। वह कुल सीटों में से 15% और इंडिया कोटे के तहत भरी जाती है। वह बाकी 85% सीटों में से 10% यानी करीब 400 सीटें मैनेजमेंट कोटे की रहती है। बता दें कि एचपीयू की बीएड काउंसलिंग एंड प्रवेश कमेटी ने काउंसलिंग शेड्यूल में साफ किया है कि मैनेजमेंट कोटे की सीटों के लिए सरकार की ओर से 3 फरवरी 2024 को जारी नया फीस स्ट्रक्चर लागू किया जाएगा। इसमें मैनेजमेंट कोटे की सीट के लिए 2 साल की फीस आम छात्रों की तरह 1,17,940 रुपये ली जाएगी। वह बीएड काउंसलिंग एंड प्रवेश कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर बीके शिवराव ने बताया कि विद्यार्थियों को राहत दिलवाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग सरकार से मैनेजमेंट कोटे की सीट के लिए फीस की स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया था। वह सरकार ने जवाब में कहा कि निजी कॉलेजों इस कोटे फीस से अन्य आम सीटों के बराबर रहेगी। प्रिंसिपल को हफ्ते में 6 से 8 टीचर्स को 36 पीरियड लेना अनिवार्य। ये राज्य के शिक्षा विभाग में एक और व्यवस्था परिवर्तन हो गया। वह कैबिनेट में हुए फैसले के बाद शिक्षा विभाग में स्कूलों के युक्तिकरण और स्टाफ के इस्तेमाल की प्रक्रिया बदल गई है। बता दें कि यह बदलाव युक्तिकरण के मापदंडों में हुआ है, जिसे सभी जिलों को भेज दिया गया। अब प्रिंसिपल और हेडमास्टर के लिए स्कूल में पढ़ाना जरूरी करने के बाद अब शिक्षा विभाग ने नए युक्तिकरण के मापदंड भी बदल दिए। बता दें कि प्रिंसिपल और हेडमास्टर के लिए सप्ताह में 6 से 8 पीरियड्स लेना जरूरी होगा, जबकि टीचर्स को हफ्ते में 36 पीरियड लेने होंगे। में 60 बच्चों तक एक ही सेक्शन होगा और 120 तक 2 सेक्शन होंगे। में छात्र अनुपात में शिक्षक के पद क्रिएट करने का फॉर्मूला भी बदला है। में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को यह फॉर्मूला भी दिया है। बता दें कि टीजीटी और सीएनबी के बीच पीरियड्स का बंटवारा कैसे होगा, यह नया फॉर्मूला बना है। में टीजीटी पर वर्कलोड का कैलकुलेशन भी नए सिरे से हुआ है। बता दें कि स्कूल में छात्र संख्या के आधार पर मिनिमम जरूरी टीचिंग पोस्ट कितनी होगी, यह प्रणाली भी अब नहीं होगी। वह दूसरी तरफ राज्य में बिना एनरोलमेंट या कम एनरोलमेंट वाले स्कूलों को बंद करने की फाइल अब शिक्षा मंत्री तक पहुंच गई है। मैं इनमें 100 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी बच्चा दाखिल नहीं है और 361 स्कूल ऐसे हैं जिनमें 5 से कम बच्चे हैं। कैबिनेट इन स्कूलों को बंद या मर्ज करने के निर्णय ले चुकी है। मैं अब सिर्फ ऑर्डर होने बाकी है। मैं ऑर्डर के लिए फाइल को शिक्षा सचिव को भेजा गया था, जहां से यह शिक्षा मंत्री चल गई है।
विक्रमादित्य सिंह का आश्वासन, आपदा प्रभावितों को मिलेगी हर संभव मदद। जी हाँ, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह बुधवार को दरंग विधानसभा के राजभवन तेरंग में आपदा प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे। उनके साथ पूर्व मंत्री कोल सिंह ठाकुर भी साथ थे। वे राजभवन में 31 जुलाई को बादल फटने से आई बाढ़ में बह जाने से 9 लोगों की मौत हो गई थी। वह एक व्यक्ति अभी तक लापता है। इस दौरान उन्होंने आपदा पीड़ित परिवारों की व्यथा सुनी। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी में प्रभावित सभी परिवारों को हर संभव मदद की जाएगी। वह सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण यहाँ की जगह पर जगह घर बनाने के लिए असुरक्षित हो गई है। वह प्रभावित 4 परिवारों को अन्य किसी सुरक्षित स्थान पर बसाने के लिए मुख्यमंत्री से बात करेंगे, वह ताकि आने वाले समय में उन्हें सुरक्षित जगह उपलब्ध करवाई जा सके। वह लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि थल्टू खोड से पंजोर सड़क को 10 करोड़ की लागत से अस्त्रोत्तर किया जाएगा। सिलाई में सड़क पर मलबा गिरने से 12 पंचायतों का संपर्क कटा, लोग परेशान। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर उत्तरी के समीप सड़क पर पत्थर गिरने से सिलाई की दर्जनों पंचायतों का संपर्क टूट गया है। वे मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने से लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर है। वह भूस्खलन से इस बरसात में 3री बार सड़क बंद हुई है। वह इन्फ्रा कंपनी ने सड़क निर्माण के दौरान पहाड़ों में अंडर कट लगाए हैं, इसमें बारिश के दौरान सड़क पर गिर रही है। विनेश फोगाट की अपील खारिज, नहीं मिलेगा पदक। जे पेरिस ओलंपिक 2024 में तय मापदंड से 50 किलोग्राम से वर्ग में 100 ग्राम अधिक वजन पाए जाने पर अयोग्य ठहराई गई महिला पहलवान विनेश फोगाट की अपील को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के एडहॉक डिवीजन ने खारिज कर दिया है। वे भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉक्टर पीटी ऊषा ने खेल पंचायत न्यायालय के पहलवान विनेश फोगाट की याचिका खारिज करने के फैसले पर आश्चर्य और निराशा व्यक्त की है। वे IOA ने एक बयान में कहा है कि पेरिस ओलंपिक में स्पर्धा के एक दिन बाद दूसरे दिन वजन के उल्लंघन के लिए एथलीट को पूरी तरह से अयोग्य घोषित करना गहन जांच का विषय है। वे भारत की ओर से कानूनी प्रतिनिधियों ने केस के समक्ष अपनी बात रखी थी। मैं IOA ने अपने बयान में कहा है कि कैसा का फैसला आने के बाद भी IOA फोगाट के पूर्ण समर्थन में खड़ा है और आगे कानूनी विकल्पों की तलाश कर रहा है। मैं IOA यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि विनेश के मामले की सुनवाई हो। मैं IOA खेलों में न्याय और निष्पक्षता की वकालत करना जारी रखेगा। वह उल्लेखनीय है कि विनेश फोगाट 100 ग्राम वजन बढ़ने के कारण फाइनल खेलने के लिए अयोग्य ठहराए जाने पर केस में अपील दायर कर संयुक्त रूप से रजत पदक दिए जाने की मांग की थी। विक्रमादित्य सिंह ने बलिदानियों की वीर नारियों को किया सम्मानित, गिनाई सुक्कू सरकार की उपलब्धियां। जब कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया, वह जिसकी अध्यक्षता लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की। उन्होंने समारोह में ध्वजारोहण किया तथा मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। वह साथ ही उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। 75 साल से अधिक सभी पेंशनरों को जल्द मिलेगा पूरा एरियर। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम सुक्कू का ऐलान और भी की गई कई घोषणाएं। जिस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने देहरा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने पेंशनरों को एरियर जारी करने का वादा किया। उन्होंने इस दौरान देहरा के लिए भी कई घोषणाएं की। वह गुरुवार को मुख्यमंत्री ने देहरा में कहा कि प्रदेश सरकार 75 साल से अधिक आयु के सभी पेंशनर का जल्द पूरा एरियर जारी कर देगी। वह बाकी कर्मचारी पेंशनरों को चरणबद्ध ढंग से एरियर का दिया जाएगा। सरकार गिराने की बजाय मदद करें प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता दिवस पर डिप्टी सीएम ने भाजपा पर बोला हमला। जो 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शिमला के रिज मैदान पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शिरकत की और ध्वजारोहण किया। इस मौके पर पुलिस, होमगार्ड, ट्रैफिक पुलिस, NCC, NSS, स्काउट एंड गाइड और पुलिस व होमगार्ड बैंड की टुकड़ियों ने भव्य मार्च पास्ट किया। शिमला में 16 अगस्त से शुरू होगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 27 देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। जिस 10वां शिमला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 16 अगस्त से गेयटी थिएटर परिसर शिमला में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, भाषा और संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमालयन वेलो सिटी के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि 3 दिवसीय इस प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में 27 देशों और 22 राज्यों की फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। यह महोत्सव फिल्म प्रेमियों, फिल्म उद्योग के पेशेवरों और सांस्कृतिक प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण महोत्सव है।
हिमाचल के 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 5 में बाढ़ का खतरा, जाने मौसम पूर्वानुमान। जी, हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मानसून की बारिश का कहर लगातार जारी है। राज्य में जगह जगह भूस्खलन से दर्जनों सड़कें यातायात के लिए बाधित है। बता दें कि कई बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप है। इसके अतिरिक्त 20 से अधिक जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित है। वह उधर कांगड़ा जिले के पंचरुखी क्षेत्र में भारी बारिश से तबाही हुई है। वह देवग्राम पालमपुर से पंचरुखी व जयसिंहपुर सड़क का कुछ हिस्सा बह गया। वह साथ ही पानी व मलबा साथ लगते घर के आंगन में घुस गया। वह इससे आंगन में खड़ी गुड्डू पुत्र रामलाल की स्कूटी बह गई। वह साथ ही घर आए मेहमान की स्कूटी भी मलबे के साथ बह गई। भाजपा ने शिमला में निकाली तिरंगा यात्रा। जयराम बोले, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। जब भाजपा जिला शिमला की ओर से आयोजित हर घर तिरंगा यात्रा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। वह यात्रा में उनके साथ प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा, उपाध्यक्ष संजीव कटवाल, कोषा अध्यक्ष कमल सूद, मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, कार्यालय सचिव प्रमोद ठाकुर, संजय सूद, जिला अध्यक्ष प्रेम ठाकुर उपस्थित रहे। युवा मोर्चा ने इस कार्यक्रम में अग्रिम भूमिका निभाई। वह युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज ने इस यात्रा में युवाओं का नेतृत्व किया। वह जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि हर घर तिरंगा यात्रा में अद्भुत जोश देखने को मिला। वह युवा बुजुर्ग महिलाओं ने इस तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। वह कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर भी पीएम मोदी ने इस पर अभियान का जिक्र किया था। ऊना में बाढ़ से हुए नुकसान पर अनुराग ठाकुर ने सरकार पर साधा निशाना। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद अनुराग ठाकुर ने ऊना जिले के औद्योगिक क्षेत्र बेला बाथू बाथड़ी का दौरा किया। वह जहां हाल ही में आई बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। वह ठाकुर ने प्रमुख उद्योगों की स्थिति का गहराई से निरीक्षण किया। वह मीडिया से बात करते हुए अनुराग ने मामले में स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों पर निशाना साधा है। वह ठाकुर ने आरोप लगाया कि बाढ़ की पूर्व चेतावनी देने में प्रशासन की विफलता और तैयारियों की कमी के कारण करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर समय पर चेतावनी जारी की जाती तो नुकसान की स्थिति कुछ और होती। अनुराग ने सरकार से मांग की है कि शीघ्र वित्तीय सहायता प्रदान की जाए और इंश्योरेंस कंपनियों को तेजी से दावों का निपटारा करने के निर्देश दिए जाएं, ताकि प्रभावित उद्योगों को पुनर्जीवित किया जा सके। रंजना पवन को राष्ट्रपति पुलिस पदक, धवल समेत 3 को पुलिस पदक, ऐसे हासिल किया मुकाम। जब केंद्रीय गृह मंत्रालय स्वतंत्रता दिवस के पहले दिन बुधवार को वीरता व विशिष्ट सेवा के लिए पुरस्कारों की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि ASI रंजना शर्मा निवासी भद्रास रामपुर और ITBP के DIG सुन्नी के पवन नेगी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया। वह केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सराहनीय सेवा के लिए बिलासपुर जिला के पुलिस अधीक्षक के SP संदीप धवल, इंस्पेक्टर नागदेव और सब इंस्पेक्टर हेम प्रकाश को पुलिस पदक, हिमाचल में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के लिए वरिष्ठ प्लाटून कमांडर जय कुमार को भी सराहनीय कार्य के लिए पदक के लिए चुना गया। वह अग्निशमन विभाग में 72 सेवाओं के लिए स्टेशन फायर अफसर मनसाराम और राजेंद्र कुमार और सब फायर अफसर अशोक कुमार को भी पदक से नवाजा जाएगा। वह केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की है। वह 15 अगस्त को इन सभी को सम्मानित किया गया है। मलाना के लिए राशन लेकर आज उड़ेगा हेलीकॉप्टर। 2500 की है आबादी, बाधित है सड़क। जो ऐतिहासिक गांव मलाना में राशन की किल्लत से जूझ रहे लोगों को अब राहत मिलने वाली है। वह वीरवार को राशन लेकर मलाना के लिए हेलीकॉप्टर भेजा जाएगा। वह हेलीकॉप्टर में मलाना के लिए आटा चावल आदि भेजा जाएगा। बता दें कि 2500 की आबादी वाला मलाना 2 सप्ताह से देश दुनिया से कटा हुआ है। वह बादल फटने के बाद सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। ऐसे में लोगों को जान जोखिम में डालकर पहाड़ी रास्ते से होकर आवाजाही करनी पड़ रही है। वह गांव में राशन का स्टॉक समाप्त है। वह वीरवार से गांव में मेला भी है। ऐसे में ग्रामीणों के सामने मुश्किल यह है कि वे मेहमानों को क्या खिलाएंगे। सड़क बहाल होने में 6 माह का समय भी लग सकता है। हेलीकॉप्टर से राशन गांव में पहुंच सके इसके लिए ग्रामीण स्वयं ही बिना मशीनरी के हेलीपैड का निर्माण कर रहे हैं। वह पूरे मलाना के लोग हेलीपैड तैयार करने में सहयोग कर रहे हैं। वह सामूहिक भागीदारी से बनाए इस हेलीपैड में अब हेलीकॉप्टर को उतारा जाएगा। सीएम से बैठक के बाद पटवारी और कानूनगो संघ ने लिया काम पर लौटने का फैसला। ये सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू के साथ देहरा में हुई बैठक के बाद राज्य पटवारी और कानूनगो संघ ने काम पर लौटने का निर्णय लिया है। वह बैठक के दौरान सीएम ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि उनकी जायज मांगों का सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समाधान किया जाएगा। बता दें कि सीएम ने कहा कि पटवारी और कानूनगो का राज्य कैडर किया जाना सरकार का नीतिगत फैसला है। उन्होंने पटवारी और कानूनगो से सरकार की इस पहल में सहयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि
सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए पटवारी और कानूनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को पेश आ रही समस्याओं के समाधान के लिए सरकार एक मिशन मोड पर कार्य कर रही है और इसमें पटवारी और कानूनों की बेहद अहम भूमिका है। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम सुक्कू का बड़ा ऐलान, हिमाचल में पेंडिंग टैक्स के निपटारे के लिए लागू होगी नई योजना। ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जश्न आज़ादी की धूम है। मैं 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूली छात्र छात्राएं, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं और हर वर्ग के लोग एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। मैं इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने जनता के नाम संदेश में स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद देते हुए देश के वीर शहीदों को याद किया। हिमाचल में आज से बनेंगे ऑनलाइन सर्टिफिकेट। सीएम सुक्कू के साथ पटवारी और कानूनों का संघ की हुई बैठक, काम पर लौटने का लिया निर्णय। हिमाचल में पिछले एक महीने से ऑनलाइन सेवाएं बंद होने से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। वह प्रदेश में लोगों के शुक्रवार से ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनने शुरू हो जाएंगे। वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू के साथ हुई संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनों महासंघ की बैठक में बाध्य पटवारियों और कानूनों ने काम पर लौटने का निर्णय लिया है, जिसके बाद लोगों को राजस्व से संबंधित बंद पड़ी ऑनलाइन सुविधा फिर से मिलनी आरंभ हो जाएगी। बता दें कि स्टेट कैडर का दर्जा देने से नाराज महासंघ ने 15 जुलाई से ऑनलाइन सेवाएं देनी बंद कर दी थी, जिस कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पीछे बैठाने पर सियासत कांग्रेस हुई आग बबूला। जो स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पांचवीं पंक्ति में बैठाए जाने पर कांग्रेस आग बबूला हो गई। वह कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जानबूझकर राहुल गांधी का अपमान करने के इरादे से उन्हें पीछे की पंक्ति में बिठाया गया। मैं इसको लेकर सवाल उठा तो रक्षा मंत्री ने जवाब दिया और वजह भी बताई कि आखिर क्यों उन्हें इतना पीछे बिठाया गया। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने रक्षा मंत्रालय के स्पष्टीकरण की आलोचना की। सीएम सुक्कू ने किया डॉक्टर राकेश कुमार को प्रेरणा स्रोत अवार्ड से सम्मानित, बोले आगे भी करते रहेंगे काम। जिला कांगड़ा के पालमपुर के छोटे से गांव खड्डर से संबंध रखने वाले डॉक्टर राकेश कुमार को राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री के द्वारा प्रेरणा स्रोत अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री से अवार्ड लेने के पश्चात मंच पर ही मुख्यमंत्री रिलीफ फंड के लिए 2,51,000 रुपये की राशि का चेक भेंट किया। उन्होंने कहा कि वह आगे भी हिमाचल के लिए विकास और उत्थान के लिए कार्य करते रहेंगे। ऊना में बाढ़ से हुए नुकसान पर अनुराग ठाकुर ने सरकार पर साधा निशाना। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद अनुराग ठाकुर ने ऊना जिले के औद्योगिक क्षेत्र बेला बाथू बाथली का दौरा किया, जहां हाल ही में आई बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। वह ठाकुर ने प्रमुख उद्योगों की स्थिति का गहराई से निरीक्षण किया। मीडिया से बात करते हुए अनुराग ने मामले में स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों पर निशाना साधा। बता दें कि ठाकुर ने आरोप लगाया कि बाढ़ की पूर्व चेतावनी देने में प्रशासन की विफलता और तैयारी की कमी के कारण करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर समय पर चेतावनी जारी की थी तो नुकसान की स्थिति कुछ और होती। अनुराग ने सरकार से मांग की है कि शीघ्र वित्तीय सहायता प्रदान की जाए और इंश्योरेंस कंपनियों को तेजी से दावों का निपटारा करने के निर्देश दिए जाएं, ताकि प्रभावित उद्योगों को पुनर्जीवित किया जा सके। ड्रेसिंग रूम की मरम्मत के चलते धर्मशाला से छीना मैच। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में चल रहे ड्रेसिंग रूम के काम के चलते बीसीसीआई ने भारत बांग्लादेश के बीच 6 अक्टूबर को प्रस्तावित टी20 मैच ग्वालियर शिफ्ट कर दिया है। वह मैच से पहले ड्रेसिंग रूम का काम पूरा न होने की सूरत में HPCA की ओर से बीसीसीआई की इसकी जानकारी दी थी। इसके बाद बीसीसीआई की ओर समय रहते हुए मैच को शिफ्ट कर दिया। वह धर्मशाला स्टेडियम का निर्माण कार्य आज से करीब 22 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था और इस समय के डिजाइन के चलते यहां पर मेजबान और मेहमान टीम के लिए ड्रेसिंग रूम तैयार किए गए थे। लेकिन बीसीसीआई की ओर से पिछले कुछ समय से मैदानों के जीर्णोद्धार के लिए पैसा दिया जा रहा है और स्टेडियम में जरूरी काम किए जा रहे हैं। 2023 में यहां से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले टेस्ट मैच इंदौर शिफ्ट किया गया था। मैदान तो अब पूरी तरह तैयार है, लेकिन अक्टूबर 2023 में विश्व कप मैचों से पहले भी स्टेडियम में मरम्मत का काम किया गया था। अब स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम का काम चल रहा है। हिमाचल में SP बिजनेस की गाड़ी नहर में गिरी, पशुओं को बचाने के चक्कर में हादसा मौके पर मौजूद लोगों ने सुरक्षित निकाला। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बीती रात SP बिजनेस मंडी कुलभूषण वर्मा अपनी गाड़ी सहित सड़क किनारे लगी रेलिंग को तोड़ते हुए नहर में गिर गए। वह पशुओं को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। वह हादसे के वक्त SP कुलभूषण वर्मा गाड़ी में अकेले मौजूद थे। जिन्हें मौके से गुजर रहे जीप व ट्रक चालकों ने अपनी जान पर खेलते हुए बचाया। इसके बाद SP वर्मा सकुशल बाहर निकलने के बाद मौके से
दूसरी गाड़ी में बैठकर घर चले गए। वह पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। वह वायरल वीडियो में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि एक गाड़ी विपरीत दिशा में आती है और BSL नहर में गिरती है। वह पुलिस के अनुसार यह हादसा सड़क पर मौजूद पशुओं को बचाने के चक्कर में हुआ और गाड़ी जलाशय में गिरी। वह हादसे में कोई भी घायल नहीं है। वह हादसे को लेकर किसी भी तरह का मामला दर्ज नहीं किया गया। वह देर रात को ही नहर से गाड़ी भी निकाल दी गई है। विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है जिला हमीरपुर। कर्नल डॉक्टर धनराम सांडिल 78वां स्वतंत्रता दिवस वीरवार को जिला हमीरपुर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वह अनु के स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में स्वास्थ्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉक्टर धनराम सांडिल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य परेड की सलामी ली। इस भव्य परेड में हिमाचल प्रदेश पुलिस, होमगार्ड्स, NCC, NSS और विभिन्न स्कूलों के प्लाटूनों ने शानदार मार्च पास्ट किया। इस अवसर पर सभी जिलावासियों को शुभकामनाएं देते हुए कर्नल डॉक्टर धनराम सांडिल ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के कड़े संघर्ष और बलिदानों के कारण ही हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। मैं स्वतंत्रता के बाद भी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमारे कई वीर सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। किन्नौर और सिरमौर में 2 NH और 126 मार्ग बंद है। जो राज्य में गुरुवार सुबह 2 नेशनल हाईवे बंद रहे। मैं इसमें जिला सिरमौर और किन्नौर के NH शामिल है। मैं जिला किन्नौर में NH 5 निगुलसरी के पास अवरुद्ध है। मैं जबकि जिला सिरमौर में NH 707 पावटा सिलाई उत्तरी के पास बंद चल रहा है। मैं दोनों NH को खोलने का काम लगातार जारी है। इसके अलावा प्रदेश में 126 मार्ग भी बंद चल रहे हैं और इन्हें बहाल करने में मशीनरी और लेबर जुटी हुई है। बता दें कि राज्य में गुरुवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मैं जबकि सिरमौर में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। मैं राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मौसम खराब बना हुआ है। मैं रात्रि में कांगड़ा, धर्मशाला और पालमपुर में खूब वर्षा हुई। मैं राज्य में 21 अगस्त तक भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी है। विभाजन ने देश को दिए कभी न भूलने वाले जख्म। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुंदर नगर पार्टी कार्यालय कलोहन में विभाजन की विभीषिका में बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भारत का विभाजन मानवता के इतिहास की अब तक की ज्ञात सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। इसमें लाखों लोगों की बेरहमी से हत्या हुई और करोड़ों लोगों की नीच निर्वासित होना पड़ा। वे कई लोग आजाद होने जश्न भी नहीं मना सके। वे लाखों परिवार रातों रात अपना सब कुछ छोड़कर एक ऐसे सफर पर जाने को मजबूर हो गए मैं जिसके बारे में उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं निर्वासन की इस यात्रा में लाखों लोग मजहबी उन्माद में मारे गए और लाखों की संख्या में लोग भूख के कारण मारे गए। मैं आजादी के साथ विभाजन का कभी न मरने वाले जख्म भी मिला। कोलकाता रेप हत्या प्रकरण के खिलाफ RDA का आंदोलन। जब कोलकाता में प्रशिक्षु चिकित्सक के रेप और मर्डर से शुरू हुआ आंदोलन अब हिंसा और संपत्ति को नुकसान की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2017 को अधिसूचित करने तक पहुंच गया। वह चिकित्सकों की सुरक्षा में लाए गए इस अधिनियम को लागू करने में हो रही देरी से रेजिडेंट डॉक्टर समेत तमाम अन्य यूनियन नाराज हैं। इस कड़ी में बुधवार को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई हड़ताल को मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है। बता दें कि रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर आतिश दीपांकर ने बताया कि कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में चल रही छानबीन में पारदर्शिता लाने की जरूरत है। वह साथ ही सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द से जल्द लागू करने और कोलकाता कांड में आरोपी प्रबंधन वर्ग से जुड़े पदाधिकारियों का इस्तीफा लेने का आह्वान किया है। वह बुधवार को भी इस प्रदर्शन के दौरान आपातकालीन स्थिति में रेफर होने वाले मरीजों को उपचार दिया गया। हालांकि OPD और वैकल्पिक ऑपरेशन थिएटर प्रभावित रहे। इस बीच RDA के पदाधिकारियों ने एक बैठक का आयोजन कर आगामी रणनीति भी तैयार की है। जबकि मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने बैठक के बाद RDA को समर्थन देने का फैसला किया है। जेजो हादसे में लापता दोनों शव बरामद। हिमाचल पंजाब सीमा पर जेजो खड्ड के तेज बहाव में बहे इनोवा सवार दो लोगों के शव बुधवार को बरामद हुए। में स्वरूप चंद व सुरेंद्र कौर पिछले 4 दिन से लापता चल रहे थे, जिन्हें खड्ड में ढूंढने के लिए पंजाब प्रशासन के साथ साथ हिमाचल की टीमें भी लगातार रेस्क्यू कर रही थी। रेस्क्यू टीमों ने JCB ट्रैक्टरों व डॉग स्क्वाड टीमों की मदद ली। में अब पंजाब के होशियारपुर में दोनों शव का पोस्टमार्टम होगा। इसके बाद दोनों शव ऊना लाए जाएंगे। बताते चले कि उफान में आई जेजो खड्ड की चपेट में आने से एक इनोवा गाड़ी बह गई थी। वह इनोवा गाड़ी में भटोली व देहला के 12 लोग सवार थे। मेरे रेस्क्यू टीमों ने 9 शवों को उसी दिन बरामद कर लिया था, जबकि सुरेंद्र कौर निवासी भटोली व स्वरूप चंद निवासी देहला लापता हो गए थे। मैं होशियारपुर पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए होशियारपुर भेज दिया है। मैं SDM ऊना विश्व मोहन चौहान ने बताया कि दोनों शवों को बरामद कर लिया गया। वह पंजाब पुलिस अब इनका पोस्टमार्टम करवाएगी। इसके बाद शव ऊना ले जाएंगे।
फल मंडियों में पहुंच गया मिडिल बेल्ट का सेब, इतने रुपये मिला दाम। जी हाँ, मार्केट में मिडिल बेल्ट का सेब आना शुरू हो गया है। मैं शिमला जिला के मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब का इंतजार हो रहा था, जिसकी आमद मंडी में हो चुकी है। मैं पराला मंडी के साथ शिमला की भट्टा कूपर मंडी में भी सेब की आमद हुई है, मैं जिसे दाम भी काफ़ी अच्छा मिला है। मैं भट्टा कूपर में ऊपरी शिमला के खड़ा पत्थर के मझोली इलाके का सेब पहुँचने लगा, मैं जिससे यहाँ शुरुआत हो गई है। बताया जाता है कि यहाँ की इस पर वेराइटी के सेब को शुरुआत में ही अच्छा दाम मिला। मैं 10 किलो सेब की पैकिंग को 2700 रुपये का दाम मिला, मैं जिसे बागवानों के चेहरे खिल गए। मैं उम्मीद है कि मिडिल बेल्ट से आने वाले सेब को यहाँ इससे भी कहीं ज़्यादा दाम मिलेंगे। इस बार सेब का दाम बागवानों को काफ़ी अच्छा मिल रहा है, मैं जिससे बागवान भी खुश हैं। बता दें कि अभी तक मंडियों में लोअर बेल्ट का सेब पहुँच रहा था, मैं जिसे भी बढ़िया दाम मिला। मैं यहाँ पर 2700 रुपये 20 किलो की पैकिंग की पेटी बिक चुकी है, मैं जिसे ज़्यादा दाम अब मिडिल बेल्ट के सेब को मिला है। मैं 10 किलो की पैकिंग के 2700 रुपये यानी 20 किलो पैकिंग को 5400 का दाम है, मैं जो कि अब तक का सबसे अधिक दाम है। मैं कई दिनों से इंतजार किया जा रहा था कि मध्यम ऊंचाई वाले स्थानों से यहां पर सेब आएगा, और यह इंतजार अब खत्म हो गया। मैं अभी खड़ा पत्थर के मझोली से सेब आया है, मैं जिसके बाद इसी एरिया और इसके साथ लगते कुमार सेन व जुब्बल कोटखाई एरिया से भी सेब पहुंचेगा। मैं शिमला की पराला मंडी में भी मध्य क्षेत्र के सेब की आमद हो चुकी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को हिमाचल के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।